नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राग एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। विशाल किसान मेला का आयोजन, जी आपको बता दें उत्तर प्रदेश मिर्जापुर जिला के हिंदू विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान बरखचा मिर्जापुर में आज विशाल किसान मेला का समारोह किया गया और किसान को सम्मान दिवस के दिन ही किसानों को सम्मान का कार्यक्रम किया गया। बीएचयू के अध्यक्ष राम सिंह और कृषि विभाग के उप निदेशक अशोक उपाध्याय के माध्यम से प्राकृतिक खेती के बारे में बताया गया। एक गाय से एक एकड़ खेती बड़े ही आराम से किया जा सकता है और जीरो बजट में खेती की जा सकती है। किसानों को बजट पर बहुत बड़ा लाभ होगा। इसके साथ ही किसानों को यंत्र के बारे में बताया गया। बिना यंत्र के द्वारा खेती करना असंभव है, इसीलिए किसानों को नए नए कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करना चाहिए और उनके बारे में जानकारी देते हुए कृषि विभाग के अधिकारी बड़े ही लगन के साथ किसानों को बताया और जिलाधिकारी महोदय दिव्य मित्तल और CDO मैडम BS लक्ष्मी मौजूद रहे। किसानों को जिलाधिकारी महोदय के हाथों द्वारा किसान सम्मान पत्र वितरण का कार्यक्रम कराया गया और जिलाधिकारी के हाथों से यात्रियों को भी चयन पत्र दिया गया, जिसमें गौरक्षा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, 96 फॉर्म प्रोड्यूसर कंपनी, मनीराम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, मानंदजा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड लगभग 10 कंपनी को चयन पत्र दिया गया। किसानों को नई नई योजनाओं के बारे में जानकारी दिया गया। प्राग एक्सप्रेस न्यूज से शैलेंद्र पांडे की खास रिपोर्ट। देखते रहिए प्राग एक्सप्रेस न्यूज, आपकी खबर हमारी नजर। दिवस के अवसर पर जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह साहब के जयंती पर आयोजित होता है, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मुख्य अतिथि महोदया से और सभी अतिथिगण से मैं निवेदन करता हूं कि कृपया दीप प्रज्वलित कर उसके आलोक में इस कार्यक्रम को उद्घाटित करने की अनुकंपा करें। देखें कि भाई वहां पर तो 60 HP का ट्रैक्टर और कोई बड़ी सीड ड्रिल को या बड़े हार्वेस्टर को या बड़े प्लांटर को ऑपरेट कर रहा है। हमारे पास पैसा है, मतलब हमारे पास, मतलब एक किसान भाई की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। तो हमने देखा कि वहाँ मशीन बड़ा अच्छा काम कर रही है और हम अपने इस मिर्जापुर में उस मशीन को अगर खरीद के चलाने का कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ समस्याएं आएंगी। समस्याएं क्यों आएंगी, क्योंकि एक सिंपल सा उदाहरण देकर मैं बताना चाहूंगा। अगर आज से 10 साल पहले आप देखें तो हर किसान के पास जोत थोड़ी बड़ी हुआ करती थी,